कभी आपने सोचा है कि भारत को T20 का चैंपियन बनाने वाले, IPL में मुंबई को 5 बार खिताब दिलाने वाले हिटमैन यानी रोहित शर्मा की संपत्ति क्या है, रोहित शर्मा का बिजनेस क्या है, रोहित शर्मा की कुल नेटवर्थ क्या है, रोहित शर्मा के पास गाड़ियों का कलेक्शन क्या है, रोहित शर्मा के पास जो घर है उसकी कीमत क्या है। अगर नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, पैसे से लेकर यहां तक कि रोहित शर्मा एक इंस्टा पोस्ट से कितना कमाते हैं और ब्रांड जो ऐड करते हैं उसकी कितनी पैसे लेते हैं। तो सबसे पहले जानकारी करते हैं रोहित शर्मा के कुल नेटवर्थ की। अगर बात करें रोहित शर्मा के कुल नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा के पास 214 करोड़ की संपत्ति है, जिसकी जो कमाई का जरिया रोहित शर्मा का है वो मैच फीस है, ब्रांड एंडोर्समेंट है और लीग क्रिकेट से वो कमाई करते हैं। रोहित एक एड का 5 करोड़ के आसपास चार्ज करते हैं, यानी रोहित शर्मा एक एड शूट का 5 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं अगर बात करें BCCI की तो रोहित का BCCI के साथ A+ कॉन्ट्रैक्ट है, रोहित को BCCI से 7 करोड़ रुपए का वेतन मिलता है। इसके अलावा मैच फीस अगर आप जोड़ेंगे तो अलग हो जाता है वो। रोहित को MI से हर साल 16 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी अगर आप देखें जब से उन्होंने 16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको लगातार 16 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा एक इंस्टा पोस्ट से करीब 75 लाख रुपए चार्ज करते हैं, यानी कि एक पोस्ट डाला 75 लाख रुपए रोहित शर्मा के। इसके अलावा रोहित के पास मुंबई और US में क्रिकेट एकेडमी भी है। रोहित ने 2015 में रोबोटिक ऑटोमेशन सॉल्यूशन फर्म के साथ बिजनेस की शुरुआत की। 2016 में हेल्थ केयर फर्म में भी रोहित शर्मा ने निवेश किया है। तो ये तो बात हो गई कुल नेटवर्थ की, लेकिन रोहित शर्मा घरों के मामले में भी अगर आप देखें तो भाई रोहित शर्मा मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में रहते हैं। वर्ली में रोहित का शानदार अपार्टमेंट है, बिल्डिंग की 29वीं मंजिल पर उनका 4 BHK अपार्टमेंट है जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। पहले रोहित का लोनोवाला में 5.25 करोड़ का एक शानदार घर था और इसके अलावा हैदराबाद में भी उनकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं हिटमैन का सबसे पसंदीदा यानी गाड़ियों की बात करने। हिटमैन के पास करोड़ों की लग्जरी कारें हैं। रोहित शर्मा के पास लैम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज बेंच एस क्लास, मर्सिडीज बेंच GLS, रेंज रोवर, टोयोटा सुजुकी और हायाबुसा बाइक कलेक्शन है। और रोहित शर्मा हमने अक्सर देखा है कि वो गाड़ियों के साथ जाता है। और एक खास बात और है, रोहित शर्मा के गाड़ियों का जो नंबर है, अधिकतर गाड़ियों के नंबर उनके आपको दिख जाएगा 0264, यानी कि 264 जो है ये उनकी गाड़ियों के हर एक नंबर में आपको कॉमन दिखेगा। और इस कॉमन का भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा पैसा लग। तो ये है पूरे जो हिटमैन की संपत्ति, कमाई का जरिया और उनकी जो सारी जानकारियां थी जो हमने आप तक पहुंचा। और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा का पिछले 1-2 सालों में संपत्ति का जो बढ़ने का रेशियो, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में उनका जो हमने इंस्टा पोस्ट की जानकारी दी, सारी इस तरीके की जानकारी दी, इसके रेट और बढ़ने वाले हैं। और रोहित शर्मा के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आपको इस वीडियो से पहले जानकारी पता थी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हिटमैन के फैन हैं आप तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।